हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं शिकंजी, जो इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बॉडी को कूल रखने के लिए और अपने माइंड को भी कूल रखने के लिए हमें शिकंजी की ज़रूरत होती है। सो आज हम शिकंजी बनाने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि शिकंजी में हमें क्या क्या नीड है। चलिए, सबसे पहले पानी, चिल्ड वाटर रहना चाहिए, आइस, एक स्पून, एक बाउल, ग्लास, शुगर, यह हमने चीनी ली है, ये हमने 7 टेबल स्पून चीनी ली है, इसी स्पून से हमने 7 टेबल स्पून चीनी ली है, ये हमने 1 टेबल स्पून रॉक सॉल्ट लिया है, मिक्स सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, ये हमने चाट मसाला लिया है, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है, हमने 3 लेमन लिए हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी इसमें ऐड करेंगे, हमने 2 ग्लास इसमें वाटर ऐड किया है। अब हम इसमें अपना शुगर ऐड करेंगे, जब तक हमारी शुगर यहाँ पे मेल्ट हो रही है, हमारी शुगर यहाँ गल रही है, तब तक हम हमारे लेमन को कट कर लेंगे और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है जब तक कि हमारा ये जो चीनी है ये पानी में घुल ना जाए पूरी तरह से। हमारी जो चीनी है वो पानी में पूरी तरह से घुल ना जाए तब तक हमें इस चीनी को पानी को चलाना है। सबसे पहले हमें लेमन लेना है। इस लेमन को हमें कभी भी आप लेमन को डायरेक्ट कट करके अगर उसे आप स्क्वीज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इसीलिए हमें इसे रब करना है ऐसे अपने हाथ से, इसे पाम से, इसे आप 2 मिनट ऐसे आप रब कर लेंगे। इसी तरह हमने अपने सारे लेमन्स को कर लिया है, ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, ये आपको देख सकते हैं, ये देखिए सॉफ्ट कितने हो गए। अब हम इसे कट कर लेंगे, हमारी नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेते हैं। हमने हमारे लेमन्स को कट कर लिया, अब हमारे लेमन्स को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसी तरह हम अपने सारे लेमन को इसमें स्क्वीज कर लेंगे अपने हाथों से, ये हमने सारे लेमन्स को कर लिया है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं पानी गलने में, इस चीनी को गलने में टाइम नहीं लगा, अब ये चीनी अब गलने भी लगा है। तो अब हम इसमें अपने रॉक सॉल्ट को और अपने चाट मसाले को ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें हमारा रॉक सॉल्ट इसमें डालते हैं, अब हमारा चाट मसाला हम इसमें ऐड करते हैं, अब हम हमारा बचा हुआ पानी भी बॉटल का इसमें ऐड कर देते हैं। हमने पूरा 1 बॉटल पानी का इसे बनाया है शिकंजी, तो अब हम इसे सर्व करते हैं। सबसे पहले हम कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे हमारे ग्लास में, हमने हमारे ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए, और अब क्योंकि इसमें बहुत सारे लेमन के बीए हैं, नींबू के बीए हैं, तो इसे भी निकालना है हमें। तो सबसे पहले अब हम एक छन्नी की हेल्प से इसे करेंगे, तो अब हम इसे एक छन्नी की हेल्प से निकालते हैं। अब हम इसे गार्निश इसे अपने डेकोरेट कर सकते हैं। नाउ आपकी शिकंजी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ठंडी ठंडी शिकंजी है। नाउ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने आप भूलिएगा नहीं, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्लीज़ बटन क्लिक कर दीजिएगा। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन पर प्लीज़ बटन क्लिक कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।